वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम कुछ बना रहे हैं लेकिन खाना नहीं बना रहे हैं, कुछ पैक्स बना रहे हैं, ब्यूटी पैक्स और स्क्रब्स वगैरह जो मैं आमतौर पे यूज़ करती हूँ, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि आप अपने हाथ पे क्या लगाती हैं, तो एक्चुअली तो अल्लाह मियां ने ही ठीक ठाक दे दिए ऊपर वाले का शुक्र, और थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए जो मैं करती हूँ वो मैं आज आपको बताती हूँ। तो यहाँ देखें, हमारे पास एक अंडा है तो इसकी सफ़ेदी और जर्दी अलग कर लेते हैं। तो ये जो है सफ़ेदी जो है एक में डाल देंगे और इसमें जर्दी डाल देंगे। अब सफ़ेदी को फ़िलहाल हटा देते हैं और जर्दी को फेंटेंगे। जर्दी में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो स्किन को नरिश करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये जो है जर्दी फिट गई, तो अब इसमें हम डालेंगे एक टीस्पून हनी यानी शहद। इसको हम जब यूज़ करेंगे तो स्किन जो है बहुत बेबी के चीक्स जैसी हो जाएगी। और साथ ही इसमें हम डालेंगे एक टीस्पून ऑलिव ऑयल। अगर ऑलिव ऑयल ना हो आपके पास तब आप किसी और किस्म का भी ऑयल ले सकते हैं, जैसे बेबी ऑयल हो या कोकोनट ऑयल हो, लेकिन ये कि मैं ऑलिव ऑयल डालती हूँ इसलिए मैंने ये डाला है। तो अब इसको हम मिक्स करेंगे। तो ये बेस्ट है हाथों के लिए, मुलायम सॉफ्ट खूबसूरत मज़ेदार से ख़तरनाक से हाथ करने के लिए। तो ये हो गया। तो अब मैं जनरली वीकेंड्स में इस तरह की चीज़ें करती हूँ, आराम से जब फारिग हो ना, तो इसको अंडा है तो पहले से तो बनाना नहीं है तो बनाया, और उसके बाद चेयर पे आराम से बैठे, अपनी पसंद का कोई भी ब्रश ले और पेंटिंग शुरू कर दें। अगर आप चाहें तो कोनी तक भी कर लें, लेकिन मैं रिस्ट तक ही करती हूँ। चाहे नेल्स वेल्स पे भी आ जाएगा तो हर्ज नहीं है, वो भी बड़े अच्छे से हो जाएंगे क्यूटिकल। और उसके बाद आराम फरमाएं, सोचें कि हाथ अच्छे हो रहे हैं, और इस दौरान ये ड्राई हो जाएगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर उसको सिंक में जाके आप अच्छे से वॉश करें और फिर देखें, शाइनी शाइनी नरम नरम प्यारे प्यारे हाथ हो जाएंगे ऐसे ही। तो चले अब दूसरी चीज़ करते हैं, इसको रखते हैं कोने में। और अब जो हमने सफ़ेदी ली थी वो ज़ाया नहीं करनी है। इस ये तो पैक ऐसा ख़तरनाक है, इतना सिंपल है और मैंने लाइफ टाइम ये किया है। अच्छा, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमें रात में नहीं करना है, जब सन हो जब करें तो इसका इफ़ेक्ट बड़ा ही अच्छा होगा। तो ये सफ़ेदी को हम फेंटेंगे। अब वो जो हमने जर्दी यूज़ की ना वो नरिश करती है स्किन को, और सफ़ेदी जो है वो टाइट करती है स्किन को। तो ये हम मास्क बना रहे हैं जिससे स्किन जो है वो टाइट हो जाएगी। बस थोड़ा सा फेंट लिया। इसमें अब हम डालेंगे एक टेबलस्पून मिल्क पाउडर, आप किसी भी किस्म का ले सकते हैं, मेरा जो है अनस्वीटेंड है, नीडो है, आपके पास जो भी हो वो ले लें। मिल्क पाउडर जो है वो भी हेल्प करेगा टाइट करने में, और इसमें ऐसी खसूसियात है जो हमारी स्किन को मुलायम भी करेगी और एकदम रेडिएंट कर देगी। तो ये डाल देंगे इसमें और इसको मिक्स कर लेंगे। ये मेरी सबसे ओल्डेस्ट रेमेडी है जो मैं जब भी दिल चाहता है तो पता चलता है रात होती है, तो अब मैं दिन का वेट करती हूँ। और मैंने आजमाया हुआ है कि जैसे रात में करेंगे ना तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, समहाउ ये दिन में बड़ा अच्छा आता है। और इसके बाद जैसे शादी वगैरह में जाना हो ना या कहीं पार्टी वगैरह हो तब आप ये करें, और उसके बाद जब आप मेकअप भी करेंगे ना इतना अच्छा मेकअप का कवरेज आएगा, आप लोग खुश हो जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ। सबसे पहले आप जो है एक लेयर हाथों से या ब्रश से पूरा फेस पे एंड नेक पे लगाएंगे,
थोड़ा सा उसको 5 मिनट रहने दिया, हल्का सा ड्राई हुआ एक कोट और लगाया, फिर उसके बाद आप भूल जाए उसको, आप 45 मिनट तक कुछ भी रिलैक्स हो, फिर जब एकदम टाइट हो जाएगा ना, लगेगा आपको यूं बोलना पड़ रहा है और क्या हाल है जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, तब आप जाएंगे सिंक पे और अच्छे से मुंह धोएंगे और टॉवल ड्राई कर लेंगे, कोई अच्छी सी क्रीम लगा लेंगे, डन। अब जो है हमारा एक स्क्रब है वो भी बड़ा सिंपल सा है, तो उसके लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून कॉफ़ी। कॉफ़ी हमें इंस्टेंट नहीं चाहिए, सस्ती वाली जो नहीं होती इस तरह सी भुरभुरी सी, जो अगर बनाए ना चूल्हे पे या कहीं तो हमें छाननी पड़ेगी, पत्ती टाइप की है, और दही, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो 1 टेबल स्पून दही में 1 टेबल स्पून कॉफ़ी डाल देंगे, और इसको मिला लेंगे। अच्छा, ये क्या है, बड़ा झटपट होने वाला स्क्रब है, आप फास्टेस्ट वे में लगा सकते हैं इसको, कोई टेंशन नहीं है कि भाई इसके लिए टाइम दरकार है, कुछ भी ऐसा नहीं है। कॉफ़ी जो है वो इन्फ्लेमेशन को दूर करती है, जैसे थकावट होती है जब, कैसे हल्का हल्का मुंह भी सूज जाता है, आईज भी सूज जाती है और अंडर आई बैग भी हो जाती है, तो ये जो है ना इंस्टेंटली काम करेगा। आपको जैसे कहीं जाना है, शक्ल लग रहा है इतनी डाउन हो गई है, ये झटपट आप, जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से यूज़ करते हैं, सिंक में ले गए और हल्का सा फेस जैसे वेट किया, उसके बाद इसको रगड़ना शुरू करें सर्कुलर मोशन में ऐसे, आहा, जैसे मैं कर रही हूँ सर पे, नोज पे, जहाँ भी, चिन पे, अगर शावर में हो तब आप गर्दन पे भी कर सकते हैं, फिर जो बच जाता है ना वो मैं हाथ पे यूँ, देखिए ये जैसे बचा है ना, हाथ पे यूँ करती हूँ इस तरह से, तो हाथ पे भी बड़ा अच्छा सा स्क्रब हो जाता है, और उसके बाद ठंडे ठंडे पानी से मुँह धो लें, ऐसा रिफ्रेशिंग फीलिंग होगी और इंस्टेंटली स्वेलिंग जो है वो डाउन हो जाएगी और फ्रेश हो जाएंगे। और कितना सिंपल है देखा, मज़ेदार सा, 5-7 मिनट में तो आपका चेहरा ही बदल जाएगा। एक और फेस पैक है जो कि मैं बड़ा ऑफ्टन यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत फास्ट है और इजी है, तो उसके लिए क्या है कि मुल्तानी मिट्टी ली है जो कि है 1 टेबल स्पून, बड़ी आसानी से मिल जाती है हर जगह, उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून टोमेटो जूस, टोमेटो को आधा काटा और बस थोड़ा सा निचोड़ दिया, तो ये वही है, इसमें बीज भी है, थोड़ा पल्प भी आ गया है, तो ये भी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो ये डालेंगे 2 टीस्पून। और अब हमने लिया है यहाँ 1/4 टीस्पून घी, किसी भी किस्म का घी ले सकते हैं, और अब लेंगे इसमें हम 1/4 टीस्पून हनी, इसको मिलाएंगे, ये हो गया। इससे क्या है, स्किन जो है, जो हमने चीज़ें डाली उससे सॉफ्टनेस आएगी स्किन में, शाइन आएगी, और मुल्तानी मिट्टी से टाइटनेस आएगी, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना मैजिकल होगा। तो इस तरह से ये रनी भी नहीं है, बस आप फेस पे लगा लें, और गर्दन पे अगर लगाना है तो लेटना होगा, अदरवाइज़ मैं फेस पे लगा लेती हूँ, फिर आप 15 मिनट हो गए तो धो लेते हैं रगड़ रगड़ के ठंडे पानी से, और एक अच्छा सा क्रीम लगाएंगे, फिर देखें कैसा फ्रेश फीलिंग हो गई है। तो फिर आप बताएं आपको कैसा लगा, ये मेरा घर के छोटे छोटे चुटकुले हैं जो मैं बरसों से करती आ रही हूँ, आप अक्सर पूछते थे ना आप अपने हाथों का बताएं, तो मैंने कहा चलो फेस का भी बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं करती हूँ, लेकिन ये जो छोटी मोटी है जो रूटीन में करती रहती हूँ और ईजी है, तो वो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, आप लोग भी खुश हो जाएंगे, है ना। चले तो फिर जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएं और आजमाएं, और खूबसूरत खूबसूरत हो जाएं, वैसे तो आप है ही बहुत खूबसूरत, मज़ीद खूबसूरत हो जाएं, चमकते दमकते हो जाएं, मेरी दुआ है कि आप लोग सब चमकते रहें, दमकते रहें, मज़े करें और मज़े करवाएं। और अगर आपका दिल चाहता है कि किसी और किस्म की रेमेडीज़ चाहिए तो मैं ज़रूर हाज़िर हो जाऊँगी। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक ब्लॉग के साथ, रेसिपी के साथ या रेमेडीज़ के साथ।
लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।